वेलकम बैक ऑन करियर काउच विद शुभांकर। दोस्तों, जब तक कम्पिटिटिव एग्जाम बोलते रहे तो जो बच्चे भी हैं थोड़ा आराम से हो जाते थे कि अभी आने वाला है। कुछ बच्चे टेंशन में आ गए जिनको इसी साल जो है अपीयर करना था। नीट के एग्जाम सामने हैं, जेई के ऑलरेडी चल रहे हैं, और इस समय हम बात करेंगे कि जेई एक बार अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यू लैंड अप इन अ गुड यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या, उसके बाद का जो सफ़र है वो देखा जाए तो ज़्यादा टेक्निकल है, और वहाँ पे जो आपके जो टेंशन्स होंगे वो कुछ और ही होंगे। बहरहाल, बात टेंशन की एक्चुअली होनी ही नहीं चाहिए। तनाव तब होता है जब आपके पास इन्फॉर्म डिसीजन लेने की क्षमता ना हो। इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और करियर काउच इसी बात के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम वो सूचनाएं आप तक पहुंचा सकें ताकि आप अपने करियर के लिए हर चीज समझ बूझ कर, जान बूझ कर, ठंडे दिमाग से करियर चॉइसेस कर सकें। तो आज हम जेई के कुछ और डीप में हम लोग जाएंगे कि वंस यू हैव सेलेक्टेड इंजीनियरिंग एज योर करियर, उसके बाद फील्ड्स डिसीजन हम लोग कैसे लेने चाहिए। उसमें से आज एक हम विशेष फील्ड पर बात करेंगे जो कि है कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड। दोस्तों, अचानक एक ट्रेंड चला पिछले एक दशक में। पहले जो था, जब हम लोग इंजीनियरिंग सुनते थे तो होता क्या था, दिमाग में आता था आर्किटेक्ट होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। लेकिन अचानक एक दौर आया जब से कंप्यूटर साइंस ने एंट्री ली, और धीमे धीमे कंप्यूटर जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, और आज उसका डेवलपमेंट जो है वो इतनी तेजी से हो रहा है, उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कंप्यूटर साइंस अलग अलग विंग्स में उसी के अब सब विंग्स बनने लग गए। पहले सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस लेके चलता था, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग है, आईटी अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलग है। जो बच्चा 10th पास करके निकलता है उसको सिर्फ पता होता है कि अगला बोर्ड कौन सा देना है, और साथ में अगर कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर उसने खुद डिसीजन लिया है या किसी के प्रभाव में आकर डिसीजन लिया है तो बस से फोकस रहता है कि जेई क्वालिफाई करना है, उसके बाद नहीं पता, और यही जरूरत पड़ती है काउंसलिंग की। तो जी हां, आज हमने अपने स्टूडियो में दो ऐसे शख्सियत को मैंने यहां पे इनवाइट किया है जो कि आज आपको बताएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड आपके करियर के ऑप्शंस क्या हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, और हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार सिंह जी। आलोक कुमार सिंह साहब जो हैं वो आईआईटी बीएचयू से क्वालिफाइड हैं, उसके बाद इन्होंने आईएम से एमबीए किया है, एंड नाउ अब ये कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर एजुकेशन में इनकी अपनी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एजुकेशन एम्पार्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो दो एक्सपर्ट्स आज हमारे पास हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि कंप्यूटर्स में बच्चों को एक्चुअली चूज कैसे करना चाहिए, फील्ड्स आप कैसे चूज करेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे दोनों गेस्ट से। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में, आलोक जी हमारे इस कार्यक्रम पे करियर काउंसलर के शुभांकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे स्टूडियो में आज जो मौजूद हैं, आज आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए आए हैं कि कंप्यूटर्स में उनका जो करियर है वो बेसिकली किस तरीके से अलग अलग फील्ड्स की तरफ ले जा सकता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, और क्या कहीं से भी इंजीनियरिंग कर लेना सही है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हेड कर रहे हैं, यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर देयर। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कंप्यूटर साइंस में अचानक ये जो एक दौर तो है ही है, बहुत अच्छा खासा तादाद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का आप क्या देख रहे हैं, किस प्रकार के समय जो भीड़ है, किस प्रकार की जो चॉइसेस जो बच्चे जो ले रहे हैं, वो तादाद कैसी है? लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक वृहद क्षेत्र है, तो उसमें आर्ट से लेकर के साइंस से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस बहुत स्पेसिफिक एरिया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और साथ में प्योर कंप्यूटर साइंस के कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पे अवेलेबल हैं।
सो अगर हम बात करें तो जब बच्चा करियर शुरू करता है तो सबसे पहले उसके पास अपॉर्चुनिटी ट्वेल्थ के बाद होती है कि वो अंडर ग्रेजुएट में कहाँ जाए जी। और तब उसके पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि उसको कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए और उसकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है मनी मैटर्स में जी, जी, जी। और उन पे बेस वो सबसे पहले ये तय करने की कोशिश करता है कि वो उसको कहाँ अपना एडमिशन लेना है जी। तो तमाम तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। आप बीटेक की बात करें तो बीटेक भी अब स्पेशलाइज्ड हो करके आ गया है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस में बीटेक हो रहा है, डीप बीटेक इन मशीन लर्निंग है, लेकिन प्योरली बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इज स्टिल अवेलेबल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आप बीटेक करते हैं और इसके अलावा बीसीए है, बीसीए के अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस है, तो अलग अलग तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं और डिपेंडिंग अपॉन उस छात्र का क्या कैलिबर है और उसके क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो एक कोर्स अडॉप्ट करता है। पर सर अभी आपने जैसे कहा कि एक बच्चे की जो है उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसके चॉइस जो है वो सही है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब एक बच्चा 11th या 12th में पढ़ता है तो उसके पास बहुत ही सीमित इन्फॉर्मेशन होती है, उस सीमित इन्फॉर्मेशन के दायरे में रहते हुए वो कैसे डिसाइड करे, क्योंकि जब हम माइक्रो स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं एक स्पेशलिस्ट एरिया हो गया जब आप डिसाइड कर रहे हैं कंप्यूटर्स लेके करना है, लेकिन कंप्यूटर्स के बाद भी बहुत उसके जो अंदर जो डीप जो रूट्स हैं वो कई जगह ले जाते हैं आपको, कुछ एआई की तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है तो एक आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ ले जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ ले जा रहा है। तो डॉक्टर साहब बच्चे को कैसे पता चलेगा कि बेसिकली वो जो चूज कर रहा है करियर वो उसके लिए सही है कि नहीं? कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जिसने पिछले 60 सालों में जितना प्रोग्रेस किया उतना शायद किसी विषय ने नहीं किया, और कंप्यूटर साइंस के अंदर इतनी विविधताएं हैं अगर आप देखें तो मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट से लेकर के हार्डकोर प्रोग्रामर, हार्डकोर हार्डवेयर स्पेशलिस्ट और आजकल के जो विषय हैं उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होकर के आ रहे हैं। सो एक बच्चे के लिए ये जानना कि इनमें से वो क्या करे और कैसे करे ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। सो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बस इतना कहूँगा, अगर बच्चे का एनालिटिकल माइंड है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजॉय करता है, मैथमेटिकल व चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है और अगर उसको ये लगता है कि वो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इफेक्टिवली करता है तो वो कंप्यूटर साइंस हार्डकोर के करियर को अडॉप्ट कर सकता है। और साथ में इसके अलावा तमाम सारे विषय हैं, अगर उसका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है, फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, तो अगर इनसे रिलेट करती हुई कुछ चीज़ें हैं तो वो ऑब्वियस है कंप्यूटर साइंस एक करियर ऑप्शन के फॉर्म में देख सकता है। कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर उसको कैसे पता चलेगा कि नहीं मुझे AI चूज करना है कि मुझे जो है मशीन लर्निंग करनी है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस तरीके से वो उसको उसका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए? ओरिएंटेशन के लिए तो उसको फिर ट्वेल्थ के बाद अपने आप से एक जिज्ञासु, जिन बच्चों की प्रवृत्ति होती है वो ऑलरेडी जाकर के कोशिश करने ये कोशिश करते हैं कि मशीन लर्निंग में क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ेंगे, हमारा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो जाकर के वहाँ से अपनी चीज़ों को एक्वायर करते हैं। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह पाएं कि इस बच्चे ने ये चीजें एक्वायर की हैं और इसके हिसाब से वो एक स्पेसिफिक फील्ड में जा सकता है। आलोक जी, आप एक खुद की प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और जो है आप ये कंप्यूटर लर्निंग्स के साथ, आप बहुत दिनों से कंप्यूटर एजुकेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बेसिकली वो जो एप्टीट्यूड होता है वो शुरू से दिखता है, बच्चे जो है उस तरीके से समझें कि अगर उनका माइंड एनालिटिकल है कि क्या है, उस तरीके से वो अपने लाइन को चूज कर सकता है। जो काउंसलिंग का जो पोर्शन होता था, ये जो काउंसलिंग की जो इम्पोर्टेंस होती थी, आज भी पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं। होता ये है
अंत में जाके कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं कोई गलत इंस्टीट्यूट या गलत कोर्स चूज कर लेता है। अब सवाल ये होता है कि गलत इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि जेई के माध्यम से जो काउंसलिंग से निकल रहे हैं, कितनों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल रहे, कितनों को अच्छे मिल रहे, तो है ही है। अब सवाल ये है कि सारे इंस्टीट्यूट, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जेई के माध्यम से नहीं है। जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनके खुद के एंट्रेंस टेस्ट हैं, उनके खुद के एंट्रेंस का वो होता है, बच्चे वहां पे भी जा सकते हैं। तो जेई का इंपॉर्टेंस यहीं पे मैं समझना चाहता हूँ। क्या ये मान लू कि जेई के माध्यम से अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे, जो नॉन जेई के हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं? देखिए जेई डेफिनेटली एक कैटेगराइज कर देता है या एक फिल्ट्रेशन जरूर कर देता है लड़कों का बच्चों का, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो जेई के थ्रू से नहीं है वो अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज नहीं बनेंगे या उनकी नॉलेज में कोई कमी है। मेरे खुद के करियर में हमने जब भी कैंपस प्लेसमेंट किया है, एक इंस्टेंस था जब हमने दिल्ली से NSIT और DC के स्टूडेंट्स लिए थे, और फिर हमने NCR में नोएडा से के AKTU के कॉलेजेस, गाजियाबाद के कॉलेज लिए, वो बच्चे भी अच्छा परफॉर्म किए। अब सवाल ये उठता है कि गैप कहाँ पे आता है। गैप डेफिनेटली जैसा कि सर ने बताया है कि चॉइस ऑफ एरिया, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं या इंटरेस्ट एरिया है, वो एरिया चूज कितनी जल्दी वो स्टूडेंट कर लेता है इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेजॉरिटी लड़के इंजीनियरिंग में अब चले तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनका स्ट्रांग एरिया क्या है, स्ट्रेंथ एरिया कहाँ पे होने जा रहा है। वो क्या करते हैं कि वो कोर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जिसको आज आप हॉट टेक्नोलॉजी कहेंगे वो दो साल बाद आउटडेट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोर नॉलेज आपकी, हाँ, कोर नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका लर्निंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब चाहे आप अपने को कैटेगराइज कर लें कि आप सॉफ्टवेयर साइड में जाना चाहते हैं या हार्डवेयर साइड में जाना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये चॉइस तो स्टूडेंट्स खुद से लेता है अपने इंटरेस्ट एरिया और अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बाय द फोर्थ ईयर तक वो अपना इंक्लिनेशन डिसाइड कर ले, क्योंकि यही टाइम होता है जब इंडस्ट्रीज में, आज की डेट में इंडस्ट्री ये देखना चाह रही होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो कोर सब्जेक्ट के अलावा स्पेशलाइज सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज कितनी गैदर कर चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस अब स्पेशलाइज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए हैं ताकि उस एरिया को चूज किया जा सके। लेकिन आलोक जी, मैं थोड़ा सा यहीं पे रिफ्लेक्ट करूंगा, ये वही बातें हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इससे अलग जानना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आज से अगर मैं 7-8 साल पीछे चला जाऊँ, तो मशीन लर्निंग के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक बढ़ा, इसका रोल अचानक बढ़ने लग गया, तो एक नई चीज आ गई। अब इसके बारे में अगर किसी के घर में कोई इंजीनियर होता भी है, वो अपने बच्चे को बेसिकली गाइडेंस दे नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नया है। जी बिल्कुल, राइट। तो सबसे पहले तो ये जो जो सूचना है, ये जो इंफॉर्मेशन है, मजे की बात है, जब हम लोग कंप्यूटर साइंस लेकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड टू कलेक्ट टुगेदर इंफॉर्मेशन, वो डेटा के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन हमें तो सब्जेक्ट के बारे में डेटा की उपलब्धि बहुत कम हो जाती है। आज के दिन भी बहुत से बच्चे यही नहीं समझते, जब तक जाते सुन लेते मशीन लर्निंग क्या है, बट दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द स्पेशलाइजेशन इज इन मशीन लर्निंग इज गोइंग टू बी। कैसे समझेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड बिटवीन मशीन लर्निंग, कैसे करके सब्जेक्ट अलग हो जाएगा? देखिए, मशीन इलेक्ट्रॉनिक से कम्युनिकेशन
अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मशीन लर्निंग भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में बन रही हैं और उसका इंटरेस्ट एरिया क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करता है। मैं उदाहरण के रूप में जैसे बोलूँगा कि सपोज़ करिए कि एक लड़का AI एरिया में जाना चाहता है, ठीक है, तो अब उसको क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि AI एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे पाइथन एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके AI एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं और AI प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, तो उसकी पाइथन लर्निंग कैसी हो रही है उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे AI में जाना है या मुझे कुछ और करना है। अब मैं जैसे एग्जांपल दूंगा कि एक स्टूडेंट है जिसने सॉलिडिटी सीखा है, अब वो सॉलिडिटी सीख करके ब्लॉकचेन की तरफ जा सकता है, ठीक है, फिर कुछ आजकल बहुत चला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के अचानक बड़ी अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने ये कहा कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं जाना, मुझे AWS का इंजीनियर बनना है, AWS आज की डेट में बहुत ही हॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है, थोड़ा सा इसको उल्लेख करिएगा AWS को। अमेज़न वेब सर्विसेज हैं जिससे आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसपे आज की डेट में आपको इन हाउस मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है और कई चीज़ें और प्रोवाइड कर देता है, स्टोरेज कर देते हैं, आर्काइवल कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना इस एरिया में फोकस बनाना है तो वो इसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान दे सकता है। तो किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको स्टूडेंट सीख सकता है और इवॉल्व कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में जाना है। सही बात है। तो एक बात तो समझ में आती है दोस्तों कि समस्या यह है कि एक आम पेरेंट जो है वो इन लाइंस को, ये जो हम लोग बार बार जो यूज कर रहे हैं जब फील्ड्स की भी बताते हैं उससे हम लोग बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, हमारे पास इसकी अधिक जानकारी नहीं है। जब हमने AWS सुनते हैं या AI सुनते हैं या हम मशीन लर्निंग सुनते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते बेसिकली जो बच्चा जो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि पेरेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग का। तो आज हम लोग जानते हैं, ये मेरे ख्याल से ये जो एपिसोड होने वाला है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला होगा। पेरेंट्स अगर इसको जिम्मेदारी के साथ सुनते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं गाइड कर पाएंगे। तो चलते हैं डॉक्टर पुनीत जी के पास। डॉक्टर पुनीत, अभी जैसे आलोक जी ने बताया कि Amazon वेब सर्विसेज की बात आ गई, ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आ जाती है, मशीन लर्निंग की बात आ जाती है, बात करते चले जाएंगे, इतना ज्यादा ये फैल चुका है। अगर हम संक्षेप में कुछ अहम लाइंस के बारे में बोलें, कुछ अहम फील्ड्स के बारे में बोलें, तो क्या उसको समझाया जा सकता है कि भाई CS में क्या आ रहा है, मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या है, अगर इसको दो चार उसको अगर आप इसको थोड़ा कंसोलिडेट करके बताएं। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंडस्ट्री ड्रिवन जॉब्स हमारे पास आती हैं जी, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये इंडस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्डाइज होकर के कहीं ना कहीं एकेडमिशियंस के पास आती हैं और एकेडमिशियंस इनमें ट्रेन करते हैं और तब हम स्पेशलाइज पर्संस इंडस्ट्री के लिए दे पाते हैं। अमेजन वेब सर्विस एक ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें अमेजन के तमाम सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके कैसे इफेक्टिव वेबसाइट्स को चलाना है, वेब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर बहुत सारा काम होता है। सो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तो खाली नाम की चीज़ है कि हम एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो बिगिनिंग कहाँ से होती है, जैसे ही एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्टार्ट करता अपनी जर्नी तो सबसे पहले आता है उसके पास कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना। सो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना, उसको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होती है और उसके थ्रू वो कुछ कोड्स लिखता है और जनरेट करता है कंपनी के लिए प्रोग्राम जी। फिर कुछ हार्डकोर इंजीनियर्स होते हैं जो हार्डवेयर में काम करते हैं जी। जिनको मेमोरी की जानकारी होती है, मेमोरी फैब्रिकेशन की जानकारी होती है
और एक एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें कैसे प्रोसेसर डेवलप हो रहे हैं और वो हार्डकोर एरिया हार्डवेयर से रिलेट करता है। फिर हार्डवेयर इंजीनियर के अलावा आपके पास क्या होते हैं, तमाम तरीके के सिस्टम मैनेजर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, तमाम आईटी ऑपरेशंस को कैसे कोऑर्डिनेट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे इफेक्टिव तरीके से आईटी मैनेजर्स या जिनको हम बार बार कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो डिजाइन करते हैं और यूनिफाई करते हैं सॉफ्टवेयर के क्रिएशन की प्रोसेस को। वो एक अलग फील्ड है। उसके अलावा आईटी आर्किटेक्ट्स होते हैं जिनका काम क्या है, डिजाइन करना डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तमाम सारे एरियाज हैं, कैड डिजाइनर्स भी होते हैं। उसके अलावा आपके पास मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट होते हैं और उनका काम क्या होता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस डेवलप करना। आप देखते हैं तमाम मूवी के इफेक्ट्स आते हैं, वीएफएक्स वाले, वो सारे वो सब करते हैं। वीडियो गेम डेवलपर्स आते हैं, वो एक करियर अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत लिमिटेड एरिया नहीं है, आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया में आप काम करिए, उसकी नॉलेज अटेन करिए, उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखिए और फिर आप उसको इंडस्ट्री में जाकर के एक्सप्लोर करिए। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बताएं बच्चों को। मशीन लर्निंग बेसिकली तमाम तरीके का डेटा सेट अवेलेबल है और मशीन लर्निंग क्या है, प्रिडिक्ट करने के लिए तमाम सारी एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं। आपके पास एक पास डेटा सेट है, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स का काम डॉक्टरेट लेवल पे उन्होंने किया स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन पे। तो उन्होंने कुछ पुराने ट्रेंड्स लिए, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूटिलाइजेशन करके आपको फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड बता दिया कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ऐसे ही एक और स्टूडेंट ने, ये तो एआई में भी ऐसा ही कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो देखा जाए तो कुछ ऑब्वियसली एआई का ही एक छोटा सा पार्ट मशीन लर्निंग है। एआई एक वृहद फॉर्म में है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारे कहीं ना कहीं उसके सब एरियाज हैं। राइट, और इसमें आजकल बहुत सारा काम हो रहा है, आप फ्यूचरिस्टिक चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और स्टूडेंट ने काम किया, जैसे उसने किया डिजास्टर मैनेजमेंट पे। जी जी जी। सो डिजास्टर्स होते हैं हर साल, प्लेग तरीके की बीमारियां आजकल तो नहीं है लेकिन तमाम और बीमारियां हैं जो कोविड ही आ गई। तो आपने देखा होगा कोविड में तमाम तरीके के प्रेडिक्शंस आए कि इस पर्टिकुलर एरिया में फैलेगा, यहां नहीं फैलेगा, इस तरीके का अगर आप खान पान रखेंगे सीजन में पीक हो सकता है। हाँ जी जी। और तमाम आईआईटी की तरफ से आपने देखा होगा तमाम डेटा सेट्स जनरेट हुए थे और उनके ऊपर प्रेडिक्शंस आए थे। तो ये प्रेडिक्शंस फोरकास्टिंग कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मैं देखता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर बेस में जो हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने भी हैं उसमें ऑप्शंस कुछ ज्यादा वाइड है, लेकिन हार्डवेयर में जो जो तादाद जो है वो कहीं ना कहीं कम जा रही है, उस पर जो है जो जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो बच्चे जो है वहां पे कुछ कम लेते हैं। चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी जो था उसके ऊपर जो बच्चों का जो रुझान रहता है वो कई जगह पे कम हो जाता है, तो हार्डवेयर कहीं ना कहीं छूटता तो नहीं जा रहा? नहीं, छूटा नहीं जा रहा। एक्चुअल में इंडिया में हार्डवेयर की कंपनीज बहुत लिमिटेड है। okay, okay, वो स्कोप यहाँ पे नहीं है, स्कोप नहीं होता है। और अगर आपको हार्डवेयर के क्षेत्र में काम करना होता है तो आपके पास कुछ गुनी चुनी कंपनियां हैं, उनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, नहीं तो आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ता है। okay, तो वो आपसे जो है इसलिए। तो क्या ये बच्चों को ये सलाह मतलब क्या हार्डवेयर उसमें से जाने से क्या आप क्या कहते हैं? ऑब्वियस है वहाँ पे बेटर पे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की अब ये कोशिश है कि कुछ हार्डवेयर कंपनीज भी यहाँ इस्टेब्लिश हों जिनकी वजह से जो छोटी छोटी चिप्स हम बाहर से मंगाते हैं वो ना मंगानी पड़े और यहीं पे सारी चीजें हम इंटीग्रेट करके अपने नए नए तरीके की चीजें बना पाएं। जी जी। अलग जी एक बात है, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो गेमिंग में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो गेमर्स आ जा रहे हैं और ये अचानक एक नई लाइन चल पड़ी है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा जो गेमर्स हैं उनको कौन सा लाइन चूज करना चाहिए? बेसिकली ये जो बच्चे जो चाहते हैं गेम डेवलपमेंट करें तो उनके लिए बेसिकली क्या कोर्स होना चाहिए, उनकी रुझान किधर होनी चाहिए? देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो हो गया है वो इनेबलर हो गया है फॉर एनी बिजनेस मॉडल। राइट ठीक है। और आज की डेट में आप कोई भी बिजनेस मॉडल
बिना टेक्नोलॉजी के पिलर के आप बढ़ा नहीं पाएंगे और ना चला पाएंगे, ठीक है। चूँकि टेक्नोलॉजी में वो लेवल ऑफ सपोर्ट और वो लेवल ऑफ रीच और वो फास्ट मेथड्स हैं जिसकी ज़रूरत एक बिजनेस को आज की डेट में होती है, तो अब इसके बेसिस पे क्या हुआ है कि नए नए बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना से पहले आपने देखा होगा कि कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस बने, चाहे वो पोकर के हों, चाहे वो लूडो के हों, चाहे ये चीज़ों, देखिए इन सब का बेस टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। और इनके बेसिस पे जैसे आपका मतलब एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जो आप चेस खेल रहे होते हैं या लूडो खेल रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एल्गोरिथम बना हुआ है कि किस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जैसे हम जो मशीन लर्निंग सर ने बताया एग्जांपल दिया कि अगर हमने चार सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है कि प्रोग्राम इस तरीके से बिहेव करे, पांचवा जो सेट ऑफ डेटा मिलेगा वो अगर सिमिलर रहेगा तो उसके प्रोग्राम अपने हिसाब से ही उसको एज ए इनपुट डेटा लेकर के वो आगे बढ़ जाएगा। यही चीज़ कही जा रही है कि मशीन अपने आप उस डेटा सेट से धीरे धीरे लर्न कर रहा है। तो जहाँ पे डेटा सेट की बात आ जाती है, डेटा की बात आ जाती है और उस डेटा को मैनेज करने की बात आ जाती है और एल्गोरिथम की बात आ जाती है, तो गेमिंग इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ा वर्टिकल आज की डेट में बनता जा रहा है जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और काफी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। तो बच्चों को कौन सा लाइन लेना चाहिए, जिसको गेमर बनना है, जिनको गेम डेवलप करने हैं, उनको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? देखिए जैसे कि मैं इस ओपिनियन का हूँ कि बच्चों को अपने इंटरेस्ट एरिया का लेना चाहिए। अगर जैसे कि अगर बच्चे को गेम बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है या गेम्स में बहुत मजा आता है तो वो गेम प्रोग्रामिंग की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें गेम जैसे मैं सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि एक अकेले प्रोग्रामिंग से चीज़ें नहीं बनती हैं, इसमें प्रोग्रामिंग भी होती है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी होता है, इसमें मैनेज सर्विसेज मेंटेनेंस भी होता है। तो एक अकेले यही एक अपॉर्चुनिटी नहीं खुलती है एक स्टूडेंट्स के लिए, उसके इंटरेस्ट एरिया के जैसे कह सकते हैं ना कि एक लड़का गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकता है अगर उसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करना है लेकिन गेम इंडस्ट्री में जाना है तो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी उस एरिया में है जहां पे उसको चीज़ करनी है। जैसे कहते हैं कि एक टेस्टर जो चाहिए, टेस्टिंग के लिए भी जो एक जो स्टूडेंट चाहिए वो एक गेमिंग एप्लीकेशन के लिए भी टेस्टिंग में चाहिए, एक बैंकिंग एप्लीकेशन अगर बन रहा है तो उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि कई चीज़ों का ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें छोटे से जैसे कहते छोटे से नट बोल्ट की भी ज़रूरत है और एक बड़े से एप्लीकेशन की भी ज़रूरत है, और ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे लड़का ये कहे कि ये मैं आइसोलेटेड हो गया हूँ, अब मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी। अचानक जो है क्रिप्टो करेंसीज के चलन आए, ठीक है ना, हर देश में क्रिप्टो करेंसीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही, लेकिन उसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उतर चुकी है और कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है तो इस समय ये समझ लीजिए कि आदमी को रातों रात जो है वो धन कुबेर बना देता है एक तरीके से जिसके पास आज बिटकॉइंस है। लेकिन उसके लिए एक टेक्नोलॉजी, एक रिसर्च, एक स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं गलत तो नहीं कह रहा, नहीं ब्लॉकचेन भी पार्ट है। जैसे जैसे मतलब एक मेजर उसका एक मेजर हिस्सा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें जहां तक मुझे पता है कि उसका एक्चुअल जो यूटिलिटी है उसके पीछे कुछ और ही है जो कि डेटा सेफ्टी से रिलेटेड है ताकि वो स्प्रेड अप हो जाए और डेटा को चुराया ना जा सके, जितना ज्यादा डेटा सेफ रहेगा उसका वैल्यू मिलता है कंपनी को, इफ आई एम राइट फॉर दैट। हां एक पोर्शन जी। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अब ये जो चलन है जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो बच्चे इसके ऊपर काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके एक भय फैला हुआ है, गवर्नमेंट भी अभी उस पर से कभी हाँ कभी ना में चल रही है, उसमें एक्सेप्टेंस को लेके बहुत सारी चीजें हैं। डू यू थिंक कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर वाकई भारत में है, यहाँ पे जो बच्चे ब्लॉकचेन लेके पढ़ रहे हैं क्या वो क्रिप्टोकरेंसी को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने में हेल्पफुल होंगे? मैं हो सकता है स्टडी से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ,
लेकिन ये मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा और यही प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे भी रहेगा। देखिए मैं पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि जो अभी रोड ब्लॉक्स हैं वो गवर्नमेंट के कंप्लायंस मॉडल पे है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेके नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मतलब ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है या हार्डवेयर का सपोर्ट बिजनेस है, मैंने सर्विसेज बिजनेस है, ये आप समझ लीजिए कि मेजॉरिटी, मतलब अगर मैं कहूँगी मोर देन 80% या 85% जो जो सपोर्ट कर रहा है वो ओवरसीज मार्केट को कर रहा है। ओके, ठीक है। तो आज की डेट में जितना ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, ठीक है, जितना काम हो रहा है वो इंडिया की एक्टिविटी के लिए नहीं हो रहा है, वो बाहर की एक्टिविटी के लिए, बाहर की एक्टिविटीज के लिए हो रहा है। जी, ठीक है। इंडिया अभी मार्केट बनेगा, ठीक है, इंडिया भी मार्केट उसका बनेगा, लेकिन जो काम हो रहा है तो कैरियर वाइज किसी बच्चे को ये टेंशन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसी है जो मेजॉरिटी ओवरसीज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है, और ओवरसीज कंट्रीज में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को बाकायदा एक एक इकोसिस्टम में ला दिया गया है, और कई जगहों पे वो एक ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, और कई प्लेटफॉर्म पे तो बहुत एग्रेसिव काम हो रहा है। तो अगर कोई लड़का स्टूडेंट्स है ये जो इस पे काम कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो स्टूडेंट इस वक्त सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और हॉट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और उसकी डिमांड मेजर होने वाली है, ठीक है। तो ये ना समझे कि इंडिया में होगा कि नहीं होगा, लेकिन ग्लोबली ये हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है, और चूंकि इसका मेजर इन्वेस्टमेंट बाहर से हो रहा है, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और वर्क अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं होने वाली है। डॉक्टर सर, वही प्रश्न मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा कि अभी तो बात ये क्रिप्टो करेंसी की हुई, और जैसा कि व्यानो जी ने बताया कि देखिए ये ग्लोबल मार्केट को देख के हो रहा है, वो ये देख के नहीं हो रहा कि बेसिकली इंडिया में अभी इसको कैसा है, और इंडिया में जो भी थोड़ा सा पैरानोया इसको लेके है वो भी टाइमली, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो साहब गंगा बहती है तो हाथ तो धो ही जाते हैं। अब आता हूं एक और चीज पर, वो है एथिकल हैकिंग। साहब ये भी एक चलन है। एक समय था साहब जब हैकर्स जो होते थे दे वर नॉट वेल एजुकेटेड, या मुझे कहना चाहिए वेल लिटरेट। यहाँ पे थोड़ा सा चीज ये हो जाती है कि देयर इज अ डिफरेंस, मैं आज भी ये बात बार बार कई एपिसोड में मैं कह चुका हूं कि आई फाइंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी आप जानते हैं, एजुकेशन इज द वे यू नो दैट हाउ टू अप्लाई योर एजुकेशन, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिमिलर चीज हैकिंग, एक तो मुझे बात आज भी ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि हाउ कैन हैकिंग बी एथिकल, नंबर वन। नंबर टू जो क्वेश्चन है ये स्पेशली क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका उस पर काम कर रहा है, और आज के दिन में समाज में या कहना चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम में हैकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है, हमारे इकोनॉमी के लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है। सर ये एथिकल हैकिंग वो बच्चे क्या करते थे जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते थे, राइट, आज उसके ऊपर प्रॉपर कोर्स बन चुका है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन उसी स्पीड से हैकिंग भी बढ़ गई है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। सर अगर हम बात करें एथिकल हैकिंग की, तो एथिकल हैकिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। अच्छा, अगर हम बात करें हैकिंग, जब वर्ड आता है तो हमेशा निगेटिव थॉट में हम सोचने लगते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन सपोज करिए अगर कोई टेररिस्ट है वो अपनी ईमेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेज रहा है, जी, सो इसको अगर हमें उसके ईमेल को चेक करना है तो हम उसकी ईमेल को हैक करना चाहेंगे। ओके। और उसको करने के लिए हमको पर्सन्स चाहिए होंगे, जी, और ऐसे समय हमें एथिकल हैकर्स की याद आती है। जी, जी। एथिकल हैकर्स का रोल यहीं पे आता है जब वो कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती है जिसमें हैकिंग जरूरी हो लॉ को स्पेसिफाई करने के लिए, तब वहां पे एथिकल हैकर्स आते हैं। ऑब्वियस है देयर आर ब्लैक हैकर्स, ग्रे हैकर्स,
तो अलग अलग तरीके के हैकर्स हमारे सिस्टम्स में डार्क वर्ल्ड डार्क वेब टेक्नोलॉजी के नाम में एक नई चीज आई है, लेकिन ओवरऑल जो हैकिंग है हमेशा खराब कार्यों के लिए नहीं होती, उसको चेक करने के लिए उसके कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव सेंस में जाते हैं। इवन हम लोग भी कई बार डिमांड में आती है कि इस तरीके की हैकिंग करने के और हमको करनी होती है। वही सर, जैसे बंदूक जो है वो पुलिस के हाथों में रहे तो सुरक्षा और डकैत के हाथ में रहे तो बिल्कुल तो लेकिन वही बात है कि टेक्नोलॉजी जो है आज के दिन में जिस तरीके से डेवलप कर रही है तो जो हमारे हैकर्स हैं वो भी अपडेट करते चले जा रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के तहत से जो है आपके बैंक अकाउंट से आज पैसे निकल जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए भी शायद एक बहुत बड़ी तादाद की जरूरत है, बहुत बच्चों की जरूरत है और इस लाइन में एथिकल हैकिंग के लाइन में भी अभी करियर ऑप्शंस बहुत बढ़ रहे हैं। सर एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अब मैं फिर से वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ कि जो जेई क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं फाइनली उनको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है और वो वहां पे उनका जो अपना लोकल एडमिशन टेस्ट होता है, कुछ तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई एडमिशन टेस्ट है ही नहीं और उनको ले लिया जाता है। सर क्या ये चॉइस सही है या बच्चे को एक्चुअली फिर से ट्राई करना चाहिए एक साल और प्रिपरेशन करें जेई का, या जो आ जाता है हाथ में उसको ले लें साल ना बर्बाद करें, आप क्या राय देते हैं? सर अगर जेई में किसी बच्चे का हो जाता है तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। इवन अच्छे रैंकिंग के इंस्टीट्यूट में भी अगर हो जाता है तो भी कोई ऐसी खराब बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉम्प्रोमाइज करते हैं लैब से फैकल्टी से, अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो आपके करियर ऑप्शंस वहाँ से बंद हो जाते हैं और फिर वहाँ सिर्फ बच्चे की मेहनत काउंट होती है। कल को वो कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाता है तो जो इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिलता है वो कई बार वहाँ पे नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चों को फिर बाद में परेशानी होती है अपने करियर या प्लेसमेंट के ऑप्शन में। सो ऐसी जगहों पे इंस्टीट्यूट का रोल मेन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इतना ही नहीं, बहुत सारे और करियर ऑप्शंस कंप्यूटर्स में हैं जो कि अगर बीटेक नहीं होता है तो बीटेक के अलावा भी आप तमाम सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। बीसीए है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के तमाम सारे ऑप्शन है, वापस आप उसमें जा सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस करके आपके पास तमाम और अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। इवन कई बार मल्टीमीडिया स्पेशलाइजेशंस में लोग करके बहुत अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, तो निराश नहीं होने की जरूरत है और हताश नहीं होने की जरूरत है। आपको अपने हिसाब का करियर खुद डिसाइड करना होगा। आपने एक बात का अभी भी जवाब नहीं दिया, वो ये है कि क्या वो उनको साल एक साल ड्रॉप करके फिर से ट्राई करना चाहिए कि उनको उस साल जो अभी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उनको ले लेना चाहिए एडमिशन। मेरे हिसाब से अगर वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अलावा और भी तमाम ऑप्शंस हैं, अगर उनमें जाकर के अपना साल नहीं खराब करना चाहिए, जो मेरा मानना है। अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ नंबरों से वो पीछे हैं तो एक ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं उनको लगता है कि नहीं ज्यादा समय व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे करियर अपॉर्चुनिटीज फिर आपके पास लैक होने लगती है। तो मोटा मोटी दोस्तों बात यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका साल ना बर्बाद हो। साल बहुत कीमती है, आपके पास जो समय है उसकी बहुत बड़ी कीमत है। अगर कहीं से अगर आपके पास कोई अगर आप जेई नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसमें बिल्कुल मायूस होने की बात नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप जिन प्राइवेट कॉलेजेस को भी जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जांचें, उनके बैकग्राउंड चेक करें, उनका प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट सेल कैसा है, उन कॉलेजेस में जो आपको रिसर्च वर्क दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अभी दोस्तों कुछ एक नई इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने आप में एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं वो भी साथ ही में देती है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज देती हैं, उसको आपको अवेल करना चाहिए, उन कॉलेजेस के बारे में आपको जानना चाहिए। वो प्राइवेट कॉलेजेस, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जरूर है, लेकिन ये सोच लेना कि वहां पे आपका करियर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है वो गलत है। ऐसे कई कोर्सेस हैं जो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे हैं और उनकी प्लेसमेंट्स बहुत ही उम्दा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जो है जो एक्सपोजर दिया है टेक्नोलॉजी बेस्ड वो बहुत वाइड होता है। तो मेरा बच्चों से बिल्कुल मतलब एक एडवाइस है, एक
निर्देशन कह लीजिए कि एक गाइडलाइंस जो होती है, ऐसी कोई गाइडलाइन सरकार या कोई बना नहीं सकती कि प्रोसेस क्या हो सकता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को चूज करने का। ये सिर्फ आपके विवेक से हो सकता है। बैकग्राउंड चेक जरूर करें, जेई के एग्जाम्स चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अपने अच्छे से अच्छी जो आपकी जो क्षमता है उससे आप एग्जाम्स दें, लेकिन मायूस ना हो। साथ ही साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के डेटा, जब आप घुसी रहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, जाने कि कहां से आपको प्लेसमेंट कितनी अच्छी मिल सकती है, किन किन जगहों में एंटरप्रेन्योरशिप सेल अपने आप में है, जहां पे आपको अपनी खुद से अगर आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो वो हेल्प भी करते हैं। तो इस तरीके से कई प्रोविजंस, कहां कहां कौन से रिसर्च लैब्स हैं, जानिए इन बातों को। तो प्लीज करियर जब भी चूज करें, हर चीज को सोचकर चूज करें, सिर्फ और सिर्फ भीड़ चाल में ना दौड़े। यही हमारे अब प्रयास रहा है, करियर काउच गुरु यही चाहता है, करियर काउच यही चाहता है, और करियर काउच गुरु के माध्यम से हम एज अ कंसल्टिंग ग्रुप आपके पास हमेशा आते हैं यही बताने को कि करियर चॉइसेस एक्चुअली करनी कैसे है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स योर करियर, करियर आपका है। तो आज हम यही विदा लेते हैं, और एक बार फिर से हमारे आए हुए यहाँ पे जो सम्मानीय जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को इतने गाइडेंस दी, आपने काउंसलिंग दी, थैंक्स फॉर दैट। और मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में आपकी जो भी दुविधाएं होंगी, आप हमको अगर प्रश्न भेजेंगे तो आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको करेक्ट टाइम पर सही राह दिखाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग करियर काउच विद शुभांकर ऑन प्राइम टीवी 9 PM ऑन संडे। बाय बाय, टेक केयर।